इतिहास के पन्नों में अक्सर ब्रिटेन के डाकू रॉबिन हुड का जिक्र किया गया है, जो कि अपने साथियों के साथ ब्रिटेन के काउंटी नॉटिंगम शहर में शेरवुड के जंगल में रहा करते थे। रॉबिन हुड को लेकर ये बात कही जाती है कि वो अमीरों का माल लूटकर गरीबों में बांटा करते थे। हालांकि ये पात्र असली था या काल्पनिक, इस बात का उल्लेख इतिहास के पन्नों में नहीं है, क्योंकि रॉबिन हुड को असल जिंदगी में किसी ने देखा नहीं है। लेकिन भारत में एक ऐसा डाकू हुआ है जो कि ठीक रॉबिन हुड की तरह ही अमीरों का माल लूटकर गरीबों में बांटा करता था। और ये डाकू और इसकी कहानी काल्पनिक नहीं है, ये कहानी असल जिंदगी की है। इतिहास बताता है कि आज से करीब 130 साल पहले सुल्ताना नाम का एक डाकू हुआ करता था। सुल्ताना के चर्चे भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी हुआ करते थे। वजह थी उसकी ईमानदारी। कहा जाता है कि सुल्ताना डाकू इतना ईमानदार था कि एक बार उत्तराखंड के हल्द्वानी के एक लाला ने डाकू सुल्ताना को अपनी तिजोरी की चाबी तक दे दी थी। अब सवाल ये है कि आखिर कैसा था वो आदमी जिसकी ईमानदारी के चर्चे इतने हुए कि उस पर किताबें भी लिखी गई। साथ ही बॉलीवुड और हॉलीवुड में सुल्ताना की कहानी पर फिल्में भी बनी। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करिए। होती है आज से करीब 130 साल पहले, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। उस समय स्थिति कुछ ऐसी थी कि जो पेशेदार या फिर भारत के अधिकारी लोग हुआ करते थे, उन पर अच्छा खासा पैसा था। लेकिन जो गरीब तबके के लोग थे, वो रोटी रोटी के लिए मोहताज थे। उस समय डाकू सुल्ताना ही उन गरीब लोगों की मदद किया करता था। सुल्ताना अक्सर पेशेदार लोगों के घरों में घुसकर पैसा लूटता था और उसी पैसे को गरीबों में बांट दिया करता था, ताकि गरीब दो वक्त की रोटी चैन से खा सके। कहा तो ये भी जाता है कि सुल्ताना के डकैती करने का तरीका भी बेहद अलग हुआ करता था। ऐसा इसलिए क्योंकि सुल्ताना जब भी कहीं डकैती करने जाता था तो यही प्रयास करता था कि किसी की जान ना जाए या किसी भी तरीके का खून खराबा ना हो। हालांकि अगर कोई जिद पर अड़ जाता था और सुल्ताना और उसके साथियों को चोट पहुंचाने की कोशिश करता था, तब ही सुल्ताना किसी की जान लेता था। हैरत की बात है कि जब सुल्ताना किसी के यहाँ डकैती डालता था तो पहले से ही लोगों को सूचित कर देता था। सुल्ताना अपने साथियों के जरिए लोगों के नाम ये पैगाम भेजता था कि श्रीमान पधारने वाले हैं। अपने कुछ इस अलग अंदाज में ही सुल्ताना डकैती किया करता था और जिस क्षेत्र से माल लूटता था उसी क्षेत्र के जरूरतमंदों को माल बंटवा भी दिया करता था। सुल्ताना का यह सिलसिला कई सालों तक जारी रहा, लेकिन फिर हुआ ये कि अंग्रेजी सरकार को सुल्ताना की हरकतों की भनक लग गई और अंग्रेजी सरकार ने एक तजुर्बेकार अंग्रेज पुलिस अधिकारी जिनका नाम फ्रेडी यंग था, उन्हें भारत बुलाने का फैसला लिया। ऐसा नहीं है कि फ्रेडी यंग से पहले भारतीय पुलिस ने सुल्ताना को पकड़ना नहीं चाहा। भारतीय पुलिस ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन जैसे कि सुल्ताना गरीबों का मसीहा था और उसके इरादे नेक थे, तो सुल्ताना को बचाने के लिए लोग पहले ही उसे सूचना दे दिया करते थे। आम लोग ही नहीं बल्कि पुलिस अधिकारी भी सुल्ताना को पुलिस के आने की खबर देते थे। कहते हैं कि सुल्ताना की मदद करने में पुलिस अधिकारी मनोहर लाल का बड़ा हाथ हुआ करता था। मनोहर लाल ही वो पुलिस अधिकारी थे जो हर बार सुल्ताना को पुलिस के उसके इलाके में पहुंचने की सूचना दे देते थे। लेकिन जब इस बात की खबर अंग्रेजी पुलिस अधिकारी फ्रेडी यंग को लगी, तो फ्रेडी यंग ने बड़ी चलाकी के साथ मनोहर लाल का ट्रांसफर दूर इलाके में कर दिया। इसके बाद फ्रेडी यंग ने सुल्ताना की एक विश्वसनीय व्यक्ति जिनका नाम मुंशी अब्दुल रजाक था, उन्हें अपने भरोसे में लिया। अब्दुल रजाक को भरोसे में लेने के बाद फ्रेडी ने सुल्ताना के बारे में हर बात पता की। अब्दुल रजाक की सूचना के बलबूते पर फ्रेडी ने सुल्ताना और उसके साथियों को नजीमाबाद से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी होने के बाद फ्रेडी यंग सुल्ताना को आगरा जेल ले आए, जहां उस पर मुकदमा चला और सुल्ताना समेत 13 लोगों को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया।
सुल्ताना को सजा हो चुकी थी और वह जेल में अपने आखिरी दिन काट रहा था। इतिहासकार बताते हैं कि अपनी सजा के दिनों में सुल्ताना की उसे गिरफ्तार करने वाले फ्रेडी यंग से काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि फ्रेडी यंग ने सुल्ताना को अंग्रेजी हुकूमत के नाम माफी अर्जी लिखने का सुझाव दिया। सुल्ताना ने माफी अर्जी लिखी भी, लेकिन वो अर्जी खारिज हो गई। इसके बाद फ्रेडी यंग अपने दोस्त के लिए काफी दुखी थे। फ्रेडी सुल्ताना की जिंदगी से काफी प्रभावित थे। एक दिन की बात है कि फ्रेडी ने सुल्ताना से पूछा कि क्या तुम्हारी जिंदगी की कोई इच्छा है। इस पर सुल्ताना ने जवाब दिया कि मेरा एक 7 साल का बेटा है और मैं चाहता हूँ कि वो जिंदगी में खूब पढ़े लिखे और आगे बढ़े। सुल्ताना की इस इच्छा पर फ्रेडी यंग ने सहमति जताई और सुल्ताना से उसी समय वादा किया कि तुम्हारा बेटा जिंदगी में खूब पढ़ेगा और एक अच्छा आदमी बनेगा। 7 जुलाई 1924 सुल्ताना को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। फ्रेडी काफी दुखी, लेकिन फ्रेडी ने अपने दोस्त की इच्छा पूरी की और सुल्ताना के बेटे को पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। शिक्षा पूरी करके सुल्ताना का बेटा जब लौटा तो उसने भारत में आईएएस का एग्जाम पास किया। इतिहासकार बताते हैं कि सुल्ताना का बेटा एक उच्च अधिकारी बना और वह अपनी जिंदगी में इंस्पेक्टर के पद से रिटायर भी हुआ। इतिहास में इस बात का भी जिक्र है कि सुल्ताना अपने असूलों का काफी पक्का था। एक बार की बात है कि सुल्ताना उत्तराखंड के हल्द्वानी में डाका डालने पहुंचा। सुल्ताना ने उस समय हल्द्वानी में होतीलाल गिरधारीलाल फार्म हाउस के मालिक लाला रतनलाल को चिट्ठी भेजकर 20,000 रुपए की मांग की, लेकिन जब ये मांग पूरी नहीं हुई तो सुल्ताना खुद ही लाला के घर जा पहुंचा और उन्होंने लाला से 20,000 रुपए मांगे। वहीं लाला रतनलाल ने सुल्ताना को पूरी की पूरी तिजोरी की चाबी दे डाली। जब सुल्ताना ने तिजोरी खोली तो तिजोरी में काफी पैसा था, लेकिन सुल्ताना ने केवल 20,000 रुपए उठाए और लाला को चाबी वापस कर दी। सुल्ताना ने जाते जाते लाला से एक सवाल पूछा कि मैंने तो सिर्फ तुमसे 20,000 रुपए की मांग की थी और तुमने मुझे पूरी तिजोरी की चाबी दे दी, पैसे खोने का डर नहीं लगा? इस पर लाला ने जवाब दिया कि तुम पर भरोसा है, तुम ज्यादा पैसे लेते ही नहीं क्योंकि तुम्हारी ईमानदारी के चर्चे जगह जगह हैं। कहते हैं लाला का यह जवाब सुनकर सुल्ताना बिना पैसे लिए लौट गया था। तो ये थी उस डाकू की कहानी जिसकी ईमानदारी के किस्से आज भी इतिहास के पन्नों में अमर है। एक नई कहानी के साथ फिर लौटेंगे। निशा रावत के साथ आज इतना ही। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।